हाँ बोलो, ऐसा कौन सा इमरजेंसी इंपॉर्टेंट काम था जो तुमने मुझे ऑफिस में अर्जेंट कॉल करके बुलाया? बताओ, तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो सकता क्या? अब क्या किया नकुल ने? देखो प्रिया, बच्चे हैं इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हैं, और वो मेरा बेटा, संजय का बेटा, संजय का क्या किया? मल्होत्रा की लड़की के साथ क्या किया? अगर दोनों प्यार करते हैं आपस में, अगर उसने ऐसी आपस में कोई बात होगी तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? इतना जरूरी था कि तुम मुझे कॉल करके ऑफिस से बुलाओ? तुम जानते हो कितनी अर्जेंट मीटिंग छोड़ के आया तुम्हारे चक्कर में? देखो प्रिया, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। देखिए, जवानी में ऐसी हरकतें होती हैं, और जो भी खर्चा होगा उसकी बेटी की, जो चोट लगी है मैं दे दूंगा ना। इतनी सी बात फोन पे भी कर सकती थी, अर्जेंट घर आ जाओ, घर आ जाओ। एक तो वैसे मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस में लॉस पे लॉस हो रहा है, तो मल्होत्रा आगे बढ़ता जा रहा और मैं पीछे जाता जा रहा हूं सिर्फ तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम लोग मुझे ठीक से काम करने नहीं देते। कभी सब्जी तरकारी ये हर चीज फोन पे बताती हो, खुद भी कुछ कर लिया करो। तुम भी नकुल की मां हो, सिर्फ मैं पिता नहीं हूं उसका, तुम भी उसकी मां हो। और कुछ कहना है? और कुछ कहना है? रुकू या फिर मैं जाऊं? ओके ठीक है, मैं बात कर लूंगा, और जो भी उनकी बच्ची को चोट लगी, जो भी पैसा खर्चा होगा मैं दे दूंगा। मैं जा रहा हूं, और अब मुझे फोन मत करना, कुछ भी होगा मैसेज छोड़ना पड़ दूंगा।